नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत 2050 तक वैश्विक शक्ति बन पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत आज़ादी मिलने के 75 साल हो गए। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिस पर हमें अपने देश की यात्रा का जायजा लेना चाहिए। आज़ादी के साथ हमने कई चुनौतियों का सामना कर पड़ा है, लेकिन हमने कई उपलब्धियाँ भी हासिल की। आर्थिक रूप से हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारा आईटी सेक्टर मजबूत है और हमारी औद्योगिक क्षमता बढ़ रही है। सामाजिक रूप से हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला अधिकारों में सुधार किया है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अब शिक्षित और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है। राजनीति रूप से हमने एक मजबूत लोकतंत्र बनाए रखा है। हमारी सरकार निर्वाचित होती है और हमारे नेत्र जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लेकिन हम अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमता हमारे समाज में व्याप्त है। हमने सभी भी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता का सामना करना पड़ता है। आगे की दिशा में हमने समावेशी विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमें गरीबी और असमता को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। हमें स्थायी विकास के लिए काम करना चाहिए जिसमें हमारी प्राकृतिक संपदा का संरक्षण भी शामिल हो। अंत में हम अपने आज़ादी के सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। हमें एक ऐसा भारत बनाना चाहिए जहां हर किसी को समान अवसर मिले और हर किसी को सम्मान मिले। धन्यवाद।